सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हो अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हमारे घर पे शटरिंग का काम जो होता है वो पूरा हो चुका है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं आपको कैमरा रिवर्स करके दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर की शटरिंग का काम पूरा हो चुका है। अब इसके ऊपर ढलैया होगा, जिस मतलब जो कॉन्क्रीट की लेयर होती है उसे बिछाया जाएगा। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता जाऊँगा वीडियो में। सो गाइस, अभी आप सामने का व्यू देख सकते हो घर का। चारों ओर बैम्बू फैले हुए हैं और इस बैम्बू के दम पर ही ऊपर शटरिंग का काम होता है। ऊपर जो लकड़ी के पटरे होते हैं उन्हें बिछाया जाता है, उसके ऊपर जो आप देख सकते हो शटरिंग की गई है और ये चारों ओर से कवर किया जाता है जो भी कारपेट एरिया होता है। सो यही हमारा कारपेट एरिया घर का निकलेगा, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और काफ़ी स्लो हो रहा है काम, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की काम होता है। और देख सकते हो यह बाउंड्री हमारे घर की। सो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है ऊपर से शटरिंग का। और ये है सीढ़ी गाइस, जिसका भी जब ढलैया होगा तो उसके बाद काम शुरू होगा। मैं अभी बाउंड्री पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। सो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है गाइस, जिसके ऊपर अभी छड़ की जो रॉड्स होते हैं उसकी लेयर बिछाई जाएगी। उसके बाद जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग कॉन्क्रीट बिछाना शुरू कर देंगे, जो कि ढलैया कहलाती है। और आप देख सकते हो गाइस, हमने जो रॉड्स होते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ किए हैं, 16 mm और 12 mm, जो कि एक सिंगल बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ी बात है। और नीचे से आप व्यू देख सकते हो गाइस, शटरिंग के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है, जो कि आप देख सकते हो पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। सारे चीज़ को बैम्बू के दम पर खड़ा किया गया है,